देश देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं लवीना राज। मेरा राज्य मेरा देश में बात तमाम राज्यों की बड़ी खबरों की होगी, लेकिन शुरुआत उन चार बड़ी खबरों के साथ करेंगे जिन पर दिन भर सबकी नजरें रही। सबसे पहले चार बड़ी खबरें कौन सी जिसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी वो जान लीजिए। पहली खबर में मेरा राज्य मेरा देश की आज आप देखिए, महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिरेगी या फिर रहेगी, इसको लेकर आखिरी दांव इस वक्त खेले जा रहे हैं। एक तरफ शिवसेना के बागी मंत्री एकनाथ शिंदे खुद को बाला साहेब का असली शिव सैनिक साबित करने पर तुले हुए हैं, तो वहीं उद्धव ठाकरे अपनी सरकार बचाने में जुटे हैं। इसी पर आप देखिएगा, बागी बगावत, बाला साहेब, गिर जाएगी उद्धव सरकार। आगे बढ़े मेरे राज्य मेरा देश की दूसरी खबर में आपको आज दिखाऊंगी, शिवसेना के बागी नेता और कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव सरकार को गिराने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। शिंदे ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि या तो शिवसेना महाआघाड़ी का साथ छोड़ दे, वरना बागी शिव सैनिक विधायक मिलकर महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर कर देंगे। और उसी पर आप देखिएगा, बागी बने ब्रह्मास्त्र, शिंदे के पास 46+। मेरा राज्य मेरा देश की तीसरी खबर में आपको दिखाऊंगी, शिवसेना के बागी विधायकों ने उद्धव सरकार की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। ये एक तरह से बीजेपी बनाम शिवसेना की जंग हो चुकी है और जिसमें मोहरे मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक फैल चुके हैं। इसी पर आप देखिएगा, मुंबई टू सूरत टू गुवाहाटी, बीजेपी शिवसेना में आर पार। मेरा राज्य मेरा देश की चौथी खबर में आपको दिखाएंगे, एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में एक तीखी बहस छेड़ दी है कि क्या शिवसेना टूटने जा रही है, क्या एक शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना होगी, क्या एकनाथ शिंदे बाला साहेब के नाम पर शिवसेना को नई पहचान देने की कोशिश में है। इसी पर आप देखिएगा, टूट जाएगी शिवसेना, उद्धव वर्सेस बाला साहेब। मेरा राज्य मेरा देश की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ में कर रही हूँ, थोड़ी देर में उद्धव का जवाब देंगे एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब देंगे, बड़ा ऐलान कर सकते हैं एकनाथ शिंदे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जवाब दिया जाएगा। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल जो मचा हुआ है, उसके बीच जो कुछ उद्धव ठाकरे की ओर से कहा गया उसका जवाब अब एकनाथ शिंदे देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करेंगे तो फिर क्या ऐलान करते हैं, क्या उनकी तरफ से, क्योंकि दावा उनकी तरफ से किया गया है कि वो मेजॉरिटी में इस वक्त हैं, लेकिन अब क्या आगे उनका कदम रहने वाला है, क्या उन्होंने सोचा है, क्योंकि गुवाहाटी में इस वक्त तमाम जो विधायक है वो एकनाथ शिंदे के साथ है। उद्धव ठाकरे जरूर कह रहे हैं कि अगर शिवसैनिकों को दिक्कत है तो मेरे सामने आए और कह दे, मैं मुझे कोई पद की लालच नहीं है, मुझे कुर्सी की लालच नहीं है। लेकिन अब एकनाथ शिंदे का आगे का रुख क्या होगा ये देखना होगा। और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर सस्पेंस भले ही बना हो, लेकिन इतना तय हो चुका है कि अब उद्धव ठाकरे के सामने ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं, या तो बागी एकनाथ शिंदे की शर्तों को मान लिया जाए या फिर इस्तीफा दे दें। शिवसेना के 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है। बागी बगावत, बाला साहेब, गिर जाएगी उद्धव सरकार। बागी बने ब्रह्मास्त्र, शिंदे के पास 46+। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच बागी नेता एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि उनके साथ 40 विधायक हैं। शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया है कि पार्टी के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने सोमवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से आग्रह किया था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से गठबंधन कर लें, लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं माने, इसलिए अब शिवसेना के बागी नेता और कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना को तोड़ने पर तुले हैं। माझ्याकडे उत्तर आहे, ज्या शिवसैनिकांना असं वाटत असेल की मी शिवसेनेचं नेतृत्व करायला नालायक आहे, चला मला सांगा, मी हेही पद सोडायला तयार आहे। शिवसेना के 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले
ले जाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस सियासी चक्रव्यूह से निकलने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो किसी तरह से बागी नेता एकनाथ शिंदे को मना नहीं पाए हैं। सियासी उठापटक के बीच सीएम उद्धव ठाकरे यही बोल पा रहे हैं कि हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। लेकिन उद्धव ठाकरे के संकट मोचक संजय राउत को एहसास हो चुका है कि अब उद्धव सरकार गंभीर संकट में फंस चुकी है। जब इस प्रकार की स्थिति किसी राज्य में निर्माण होती है तो मैंने देखा है, ये इतिहास है राजनीति की, विधानसभा भंग की जाती है। महाराष्ट्र की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है। एक विधायक नितिन देशमुख जो अकोला से नागपुर पहुंचे हैं, उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ा आपने देखा। उसने अपनी पूरी आपबीती सुनाई, कैसे उसके साथ मारपीट हुई। महाराष्ट्र में मचे सियासी गदर पर अब हर किसी की निगाह शिवसेना के बागी मंत्री एकनाथ शिंदे पर टिकी है। बागी विधायकों का नेतृत्व कर रहे मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वो शिवसेना नहीं छोड़ने वाले हैं। गुवाहाटी पहुंचकर एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि उनके साथ 46 विधायक हैं, इसमें शिवसेना और निर्दलीय विधायक सब शामिल हैं। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे एनसीपी कांग्रेस वाले गठबंधन से नाराज हैं। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिरती है या बचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए सीधा रुख करते हैं, इस वक्त मेरे दो सहयोगी मेरे साथ हैं, हितेन और रोहित पोखरियाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित का सबसे पहले रुख करते हुए, रोहित उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अगर शिवसैनिकों को दिक्कत है तो वो मेरे सामने आकर कह दे। वो सामने आकर कैसे कहेंगे? अगर बगावत वो कर रहे हैं तो इसका मतलब तो यही है ना कि वो स्वीकार नहीं करना चाहते उद्धव ठाकरे को। अब क्या वो चिट्ठी लिख के थोड़ी बता देंगे उद्धव ठाकरे को कि आप इस्तीफा दे दीजिए? अरे तो लवीना, नैरेटिव भी तो सेट करना ना। देखिए, जब जैसे ही आप शुरू के, जैसे ही उनका फेसबुक लाइव शुरू हुआ, आप शुरू के 30 सेकंड देख लीजिए, उनका बॉडी लैंग्वेज आपको बता देगा कि इस्तीफे की घोषणा तो वो बिल्कुल नहीं करने वाले। थोड़ा और आगे बढ़िए, उन्होंने साफ तौर पर यहां पर इमोशनल बातें रखने की भी कोशिश की है, क्योंकि शिवसेना वो पार्टी है जिसमें पॉलिटिकल रिश्ता कार्यकर्ता और नेताओं का जरूर रहा होगा, लेकिन हर एक शिवसैनिक खुद को किस तरीके से बाला साहब ठाकरे से जोड़कर बताता था ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज सुबह से पिछले 48 घंटों को आप देखेंगे तो अभी पूरे तरीके से शिवसैनिक के कार्यकर्ता बिल्कुल शांत है, वो भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि गुवाहाटी से शिंदे साहब उनके लिए क्या कुछ पैगाम भेजने वाले हैं। लेकिन इस बीच संजय राउत जो सुबह से, क्योंकि जब भी कोई बात होती है शिवसेना को लेकर, उद्धव ठाकरे खुद डायरेक्ट सामने नहीं आते, प्रत्यक्ष तौर पर सामने नहीं आते, लेकिन संजय राउत साहब कहीं ना कहीं उनका मैसेंजर बनकर सामने आते हैं। और ट्विटर पर इस वक्त संजय राउत साहब ट्रेंड में है, ट्रेंडिंग कर रहे हैं। सुबह से जिस तरह के ट्वीट उन्होंने किए, जो उन्होंने पहला संकेत दिया जब वो मीडिया के सामने, उन्होंने कहा कि देखिए क्या होगा, ज्यादा सरकार गिर जाएगी ना, कोई बात नहीं, सरकार फिर बना लेंगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने ट्वीट किया कि अब जिस तरीके की परिस्थितियां महाराष्ट्र में बन रही है, असेंबली को डिसॉल्व करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उस ट्वीट ने खूब सुर्खियां बटोरी। अब से थोड़ी देर पहले जब 5:30 बजे के आसपास जब उद्धव ठाकरे साहब फेसबुक लाइव पर आए थे, तो उसके बाद उन्होंने फिर ट्वीट किया, उन्होंने लिखा था कि अब यहां से स्ट्रगल होगा। देखिए, स्ट्रगल तो दोनों तरफ से हो रहा है, लेकिन इस स्ट्रगल को कॉन्कर में तब्दील कौन कर पाएगा, इसका इंतजार हर कोई कर रहा है। लवीना, ठीक है, रोहित बने रही हमारे साथ, शालिनी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शालिनी का मैं रुक करूं, लेकिन उससे पहले एक जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, इसी महाराष्ट्र की सियासत पर जो हलचल मची हुई है उससे जुड़ी हुई, वो दर्शकों को बता दूं। उद्धव की धमकी पर शिंदे ने बड़ा दाव इस वक्त कर दिया है। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर दावा ठोक दिया है। 34 बागी विधायकों ने नया विधायक दल का नेता चुन लिया है, एकनाथ शिंदे ने कहा है। एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। शिंदे ने भरत गोगावलो को चीफ व्हिप बनाया। प्रस्ताव की कॉपी राज्यपाल को भेज दी गई है, ये भी जानकारी सामने है। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को प्रस्ताव भेज दिया गया है, यानी कि आगे की रणनीति क्या होगी ये साफ यहां से कर दिया गया है। शालिनी का रुख कर लेते हैं, शालिनी भी मेरे साथ है, उसके बाद हितेन में आऊंगी आपके पास। प्रेस कॉन्फ्रेंस एकनाथ शिंदे करने वाले हैं। शालिनी, क्या लगता है यहां से क्या कह सकते हैं, क्या बड़ा ऐलान यहां पे कर सकते हैं? देखिए, एकनाथ शिंदे ने जो खत लिखा है, जिसका अभी आप भी जिक्र कर रही थी, उसमें 34 विधायकों का हस्ताक्षर ऑलरेडी है, और बताया जा रहा है कि 4 विधायक और यहां से गुवाहाटी के लिए गए हुए हैं, तो इस लिहाज से 38 तो संख्या पूरी हो जाएगी। और इन 34 विधायकों ने बता दिया है कि उनका जो विधायक दल का नेता है वो एकनाथ शिंदे है, तो इस लिहाज से वो 4 विधायकों का दस्तखत भी अगर एकनाथ शिंदे के पास आ जाए तो फिर शिवसेना के लिए अब ये लड़ाई का मामला हो जाएगा, और असल शिवसेना वो एकनाथ शिंदे वाली हो जाएगी। और उस लिहाज से, क्योंकि व्हिप का भी
जैसे आपने जिक्र किया जिसे उन्होंने बनाया है, वो व्हिप जब जारी करेगा, वो शख्स जब व्हिप जारी करेगा तो वो मान्य होगा। इधर उद्धव ठाकरे के जो विधायक है उनके लिए भी, तो आप जंग यहाँ पर किसकी शिवसेना असली है किसकी शिवसेना नकली है वो वाली शुरू हो चुकी है। पर मुझे लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस जब एकनाथ शिंदे करेंगे तो वो जो सवाल बार बार उनके ऊपर उठाया जा रहा है कि वो दल बदल कानून के तहत आएंगे या फिर नहीं आएंगे, वो स्थिति स्पष्ट कर देंगे। 34 विधायकों का दस्तखत सामने आ चुका है तो उसमें तो किसी को कोई संशय है नहीं, पर तीन और नंबर की जो उन्हें जरूरत है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो वो बता देंगे वो तीन नंबर कहां से आएगा। इधर जो शिवसेना के विधायक हैं उनमें से जरूर ये बात है कि जिन्हें अपना भी मान रहे हैं उद्धव ठाकरे, वो भी उनके अपने कितने हैं वो जब फ्लोर टेस्ट होगा तो पता चल जाएगा। पर इतना स्पष्ट है कि एकनाथ शिंदे के पास अभी पूरा बहुमत है, 37 से ज्यादा ही संख्या वो बार बार ये कह रहे हैं कि उनके पास है, 40-42 तक भी आंकड़ा जा सकता है। तो उस लिहाज से अब शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली होगी अगर मैं ये कहूं तो वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है शालिनी, बने रही है हमारे साथ, हितेन का मैं रुक कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे लगता है मीनाक्षी भी हमारे साथ है, मीनाक्षी मैं आऊंगी आपके पास। हितेन देखिए, इस वक्त असली शिवसेना नकली शिवसेना यहाँ पर हो चुका है, उद्धव ठाकरे संबोधित करते हैं, इमोशनल भी वो हो जाते हैं, इमोशनल कार्ड भी खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे ये तो कहीं साबित नहीं हो रहा कि अब उद्धव ठाकरे की सरकार बच जाएगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी जो दावा कर रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार तो गिरने वाली है। आप बिल्कुल लवीना, देखिए काफ़ी देर हो गई उद्धव ठाकरे को इस प्रकार के बयान देने में, आज वो 48 घंटे बाद सामने आते हैं, शाम 5 बजे आना था लेकिन 5:30 बजे वो लाइव होते और वो इस तरह की बातें रखते, काफ़ी देरी हो गई है। जब उन्हें पता चला था कि सब सूरत पहुंचे, अगर उसी वक्त वो सामने आकर कहते कि अगर आपको मुझसे कोई नाराज़गी है और मुझे मुख्यमंत्री पद पर नहीं देखना चाहते तो आप आइए मुझे बता दीजिए, मैं इस्तीफा दे दूंगा, आप में से कोई एक आगे आ जाए, किसको बनना है हम शिवसैनिक को बना देंगे, तब ये बात बन सकती थी। अब काफ़ी देरी हो चुकी है क्योंकि अब 2/3 मेजोरिटी एकनाथ शिंदे हासिल कर चुके हैं और पक्ष पर भी दावा उन्होंने कर दिया है, तो अब उद्धव ठाकरे सिर्फ और सिर्फ ये जो आज इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की गई है वो उन्हें पता है, ये सरकार बचाने के लिए नहीं किया, ये उन्होंने पार्टी बचाने के लिए ये पूरा इमोशनल कार्ड जो है वो खेला है, क्योंकि 2/3 विधायक अब एकनाथ शिंदे के साथ है, अगर आप इन सभी विधायकों को पार्टी से निष्कासित भी करते, बाहर का रास्ता भी दिखाते तो वो अपना संगठन डाल सकते हैं, और अपना संगठन जिस दिन डाल दिया उन्होंने उसके बाद पूरे महाराष्ट्र से शिवसैनिक जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ भी जुड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अलग अलग जिले में लोग जो धमकाने की कोशिश की गई कि अगर आप इस बैठक में नहीं आए तो आपकी विधायकी चली जाएगी, इन सबका अब कोई फायदा होने नहीं वाला है। बने रहिए आप सभी हमारे साथ, मीनाक्षी मैं आपके पास भी लौटूंगी, लेकिन आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार को बैकफुट पर डालने वाले शिंदे ने अपनी हर चाल बेहद तैयारी और सोच समझ कर चली है, और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे को अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतने ज्यादा शिवसैनिक विधायक महाराष्ट्र से बाहर आखिर चले कैसे जाते हैं, आखिर विधायकों की बगावत की भनक उन्हें लगी क्यों नहीं, इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। माझ्याकडे उत्तर आहे, ज्या शिवसैनिकांना असं वाटत असेल की मी शिवसेनेचं नेतृत्व करायला नालायक आहे त्याला मला सांगा की हे पद सोडायला तयार आहे। उद्धव शिवसेना वर्सेस बाळासाहेब शिवसेना, हिंदुत्व के नाम पर ऑपरेशन लोटस, महाराष्ट्र में सरकारी गदर। उद्धव ठाकरे की शिवसेना गंभीर संकट में फंस चुकी है। हैरानी की बात यह है कि आज महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक जब समाप्त हुई तो सूत्रों से पता चला कि बैठक में 8 मंत्री शामिल नहीं हुए। शिवसेना नेता संजय राउत द्वारा विधानसभा भंग होने के संकेत देने के बाद से महाराष्ट्र बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर बीजेपी विधायकों का आना जाना शुरू हो गया, जिसके बाद कई दौर की मीटिंग भी हुई। इधर संजय राउत से जब पूछा गया कि शिवसेना के विधायक गुवाहाटी में क्या कर रहे हैं तो संजय राउत ने कहा कि काजीरंगा घूमने गए हैं। आप राउत के इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं कि उद्धव ठाकरे के वफादार कितने ज्यादा मायूस हो चुके हैं। संघर्ष करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी और क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती है। सर प्रतिष्ठा होती है पार्टी की, वो सबसे ऊपर है। गुजरात के सूरत में एक होटल में रखे गए विधायकों को एक स्पेशल फ्लाइट से असम भेज दिया गया है। बता दें कि असम में बीजेपी की सरकार है। इसके पहले शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे ने पार्टी से बगावत करने के बाद कुछ विधायकों को बीजेपी शासित गुजरात में रखा था,
लेकिन अभी गुवाहाटी में है। वहीं शिवसेना विधायक नितिन देशमुख ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि मारा पीटा गया, मुझे अगवा किया गया। मैं कोई वाहन आया तो वाहन में मैं बैठना चाहता था, लेकिन कोई वाहन में मेरे को बैठने नहीं देते थे। बाद में 100 पुलिस 150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया। मैं ऐसा संदेश दिया, लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, मेरा घात करना चाहते थे। वहीं महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि ये शिवसेना के लिए अग्नि परीक्षा है और पार्टी इसे पार करेगी। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे जी से बात हुई है और वो हमारे पुराने साथी हैं, सभी विधायक और एकनाथ शिंदे साहब जरूर सोचेंगे और लौटेंगे। जो MLA गुवाहाटी में बैठे हैं शिवसेना के, वो सोचेंगे और सोच रहे हैं, खुद एकनाथ शिंदे साहब भी सोचेंगे, हमारे मित्र हमारे साथी, और वापस वो हमारे परिवार में दाखिल होंगे। भले ही शिवसेना नेता संजय राउत को लग रहा हो कि शिंदे मान जाएंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के बागी विधायकों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी से दावा कर दिया है कि शिवसेना के 55 विधायकों में से 34 विधायकों ने एकनाथ शिंदे के समर्थन में चिट्ठी पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि 46+ विधायक उनके साथ हैं। ऐसी स्थिति में उद्धव सरकार निश्चित रूप से गिरेगी, इसमें अब कोई शक नहीं रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, शिंदे गुट ने राज्यपाल से मिलने का समय मांग लिया है। प्रस्ताव को लेकर राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात की जा सकती है। अभी गुवाहाटी में है एकनाथ शिंदे और शिंदे गुट ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। प्रस्ताव को लेकर राज्यपाल से मुलाकात करने वाले, इस वक्त की बड़ी खबर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात हो सकती है। जानकारी सामने आ रही है इस वक्त एकनाथ शिंदे खुद गुवाहाटी में है, उनके जो बागी विधायक है वो भी उनके साथ गुवाहाटी में ही है। इस वक्त मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ हैं, मीनाक्षी का रुख कर देती हूँ। मीनाक्षी के पास पहले मैं नहीं जा पाई थी। मीनाक्षी, माना यह जा रहा है कि शिंदे गुट ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है, अब इसके बाद और आगे क्या हो सकता है, अंदर खाने क्या खबर निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए खबर ये सुबह से आ रही थी यहाँ पर कि माना जा रहा था लवीना कि शिंदे जो हैं वो एक खत लिखकर अब जो है बात कर सकते हैं राज्यपाल से और कह सकते हैं कि उनसे मुलाकात का उनको मौका दिया जाए, उसके बाद फ्लोर टेस्ट की बात भी वो रख सकते हैं कहा जा रहा था। लेकिन आपको बताऊं, मैं यहां पे रेडिसन ब्लू के बाहर मौजूद हूं गुवाहाटी में। अभी भी 7 बजे का समय बताया गया था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे शिंदे, लेकिन अभी तक आपको बताऊं इसको लेकर कोई सुखबुगाहट कोई जानकारी यहां पर फिलहाल नहीं है। यहां पर तमाम जो मीडियाकर्मी है सुरक्षाकर्मी है मौजूद है, अंदर शिंदे और तमाम जो विधायक है वो है, इंतजार किया जा रहा है कब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अगला कदम उनका क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा वो बताएंगे। क्योंकि देखिए कई शर्तें उन्होंने रखी थी उद्धव ठाकरे के सामने, हालांकि उद्धव ठाकरे उन शर्तों पर नहीं माने उद्धव ठाकरे ने, लेकिन आज जो फेसबुक लाइव किया था उसमें कई बातें जरूर कही थी कि आपको गुवाहाटी जाने की या सूरत जाने की क्या जरूरत था, अगर आपको लगता था कि मैं लायक नहीं हूं CM के तो आप आते, आप मुझे बताते, मैं खुद इस्तीफा दे देता। तो ये तमाम बातें देखिए अब हुई है और अब सब लोग कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे खुद सामने आए क्योंकि वो पीछे पीछे चल रहे हैं, वो सामने आए अपनी बात रखे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब देखिए क्या कुछ वो कहते हैं, इस पर सभी निगाहें लवीना इस वक्त की हुई है। ठीक है मीनाक्षी, बने रही है। शालिनी, महाराष्ट्र में तो हम देख रहे हैं कि पोस्टर्स भी लगने शुरू हो चुके हैं देवेंद्र फडणवीस की फोटो के साथ, वहां के लोगों ने तो ये मान लिया है कि सरकार गिर गई है। ये अपने अपने समर्थक हैं जो अपने अपने हिसाब से खुशी जाहिर कर रहे हैं, अब भविष्य में क्या होने वाला है वो बता रहे हैं, पर इतना जरूर है कि अभी जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है वो भी कुछ इसी लिहाज का है और इसी तरफ इशारा कर रहा है कि एकनाथ शिंदे आगे आने वाले वक्त में BJP के ही साथ जाएंगे और मिल करके सरकार बनाएंगे। पर एक चीज जरूर है लवीना यहाँ पर कि क्या एकनाथ शिंदे अपनी अलग पार्टी बनाते हैं और फिर उस पार्टी के साथ वो जाते हैं BJP के अंदर, या फिर जो शिवसेना है वो उसके ऊपर ही यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि ये जो शिवसेना है जो मेरे पास है तमाम विधायक जो है इसे असल शिवसेना माना जाए, उसके बाद ही आगे की रणनीति पर विचार हो सकता है। अलग पार्टी बनाने की जहां तक बात है, क्योंकि सुबह से ये खबर आ रही थी कि एकनाथ शिंदे अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा मुझे लगता है और उस लिहाज से सरकार बनाने में देरी हो सकती है, लेकिन अब जो भी करना है वो एकनाथ शिंदे को ही करना है। उद्धव ठाकरे अगर ये कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे देता, मैंने इस्तीफा लिख कर रख लिया है, आपने मांग लिया होता मुझसे, कोई शिव सैनिक
बनेगा मुख्यमंत्री तो मुझे अच्छा लगेगा। ये तमाम बातें बेमानी है एकनाथ शिंदे, अब अगले वो शख्स हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि ऊंट किस करवट बैठेगा यहाँ की सियासत का या आगे महाराष्ट्र के अंदर क्या होने वाला है। जी ठीक है, शालिनी बने रहिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो दर्शकों को बता दूं, बागी विधायकों पर सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है बागी विधायकों पर बात मैं नहीं करने वाला हूं। उद्धव ठाकरे ने जब फेसबुक लाइव के जरिए संबोधित किया तो उनकी ओर से कहा गया कि बागी विधायकों पर मैं कोई बात नहीं करने वाला हूं, सभी विधायकों को एक करने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। उद्धव का दावा है कि हमारे साथ 63 विधायक हैं, ये उद्धव ठाकरे ने दावा कर दिया है। वो अभी भी ये मान नहीं रहे हैं कि उनकी सरकार पर किसी तरीके का कोई संकट है। और इधर एकनाथ शिंदे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिरनी तय है क्योंकि उनके पास पूर्ण बहुमत है। रोहित पोखरियाल मेरे साथ है, उनका रुख कर लेते हैं। रोहित, सवाल अब इस वक्त ये बना हुआ है क्योंकि क्या वो एकनाथ शिंदे अपनी दूसरी पार्टी बनाते हैं? जैसे शालिनी ने कहा ये बहुत लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा, अगर शिवसेना पर ही कब्जा करना चाहते हैं तो उनके पास विधायक तो है, समस्या तो अब कहीं आनी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, अगर आप नंबर गेम में देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस वक्त एकनाथ शिंदे साहब जो है उनका पलड़ा काफी भारी नजर आता है। और जिस तरीके से आप देखिए पूरा घटनाक्रम जिस तरीके से रचा गया, और अब कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे भी कहीं ना कहीं मायूसी वो नजर आई है, भले ही वो बहुत कॉन्फिडेंट लगने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इस वक्त सरकार के क्या हाल है ये हर कोई जानता है। इस वक्त हम वर्षा बंगलों के बाहर ही खड़े हैं और लगभग आप देखिए 45 से 50 मिनट से ज्यादा का वक्त हो चला है जब अंदर शरद पवार साहब मौजूद हैं, वो उद्धव ठाकरे से बात कर रहे हैं। इसके अलावा जयंत पाटिल साहब है, सुप्रिया सुले हैं, इसके अलावा और भी शिवसेना से जुड़े कई नेता अंदर मौजूद हैं। ठीक है, रोहित बने रहिए, मैं मीनाक्षी का इस वक्त रुख कर रही हूं। मीनाक्षी, क्या वहां से कोई अपडेट आपको मिल पा रहा है? लवीना, फिलहाल देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कोई बड़ी सुखबुगाहट आपको बताऊं यहां पर नहीं दिख रही है, लेकिन कैमरा पर्सन से कहूं एक बार दिखा सके अगर दिखाएं आपको। यहां पर देखिए मीडिया कर्मी, सुरक्षा कर्मी जो आपको नजर अगर आ पा रहे हो क्योंकि अंधेरा हो चुका है यहां पर तो, लेकिन ये अंदर यहां पर क्योंकि अब एकनाथ शिंदे क्योंकि मौजूद है सुबह से ही, देखिए कई बैठकें हो चुकी है लवीना, कई दौर की बैठकें अंदर भी हुई है। बताया जा रहा है जो रणनीति है आगे की, आगे अगला कदम क्या होगा उस पर मंथन किया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं निगाहें उस पर भी है। लेकिन इसके अलावा आपको बता दूं और भी जो आज भी देखिए दो ऐसे कहे गए शिवसैनिक जो बगावत जिन्होंने कर अपनी पार्टी से, तो वो भी यहां पर पहुंचने वाले, वो भी कभी भी यहां पर पहुंच सकते हैं। सुबह के समय आपको बताऊं यहां पर जो हेमंत बिस्व शर्मा है 5:30 बजे सुबह वो भी यहां पर देखे गए थे। हालांकि जब से यहां पर विधायक आए शिवसेना के उसके बाद बीजेपी का बड़ा चल ये कहा जाए कि नजरें उद्धव ठाकरे तो संबोधित कर चुके हैं, लेकिन अब एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद क्या कुछ कहते हैं, क्या दूसरी पार्टी बना लेंगे या फिर क्या ऐलान करते हैं, इस पर नजर रहेंगे। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हर अपडेट जी हिंदुस्तान आप तक पहुंचाएगा। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहा है। और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दूं, उद्धव के साथ शरद पवार की जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है। इस बैठक से जुड़े हुआ बड़ा अपडेट आपको बता दें, उद्धव के साथ शरद पवार की बैठक अब खत्म हो चुकी है। करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच बैठक चली, 1 घंटे तक आप सोचिए दोनों के बीच बातचीत यहाँ पर हो रही थी। उद्धव ठाकरे को शरद पवार ने सलाह भी यहाँ पर दी है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। शिंदे को सीएम बनाने का प्रस्ताव भेजा जाए, ये पवार की ओर से कहा गया है। सीधा रुक कर रही हूँ इस वक्त, हितेन मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हितेन, ये बैठक 1 घंटे तक चल रही थी और अब ये माना जा रहा है कि शरद पवार ने सलाह दी है कि शिंदे को सीएम बनाने का प्रस्ताव भेजा जाए, क्या अगर ये प्रस्ताव भेजा भी जाता है तो कोई बात बन सकती है, क्या लगता है? बिल्कुल नहीं बनेगी, देखिए क्योंकि एकनाथ शिंदे ने पहले ही कल ही साफ कर दिया था कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए ये पूरी लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो सिर्फ साफ साफ ये चाह रहे, उनके साथ जितने विधायक हैं वो भी साफ साफ ये चाह रहे कि शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन तोड़े और बाला साहब के आइडियोलॉजी के आधार पर आगे बढ़े, और बाला साहब ने जिस आइडियोलॉजी के साथ गठबंधन किया था उसी हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी यानी कि बीजेपी के साथ फिर एक बार गठबंधन करे तो ही वो वापस मुंबई आएंगे और शिवसेना में आएंगे, वरना नहीं आएंगे, वो शिवसैनिक है आप देख लीजिए। तो वो 2/3 मेजोरिटी वाले विधायक तो लेकर बैठे हुए, उन्हें दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ है क्योंकि यहाँ इनको पता है सरकार तो गिर चुकी है,
आज नहीं तो कल फ्लोर टेस्ट जब भी होगा तब वो सरकार अल्पमत वाली साबित हो जाएगी। लेकिन अभी जो कुछ भी खेल हो रहा है, एक जो शरद पवार ने ये जो प्रस्ताव दिया है वो पूरी तरह सरकार बचाने के लिए दिया है, क्योंकि शरद पवार जानते हैं अगर ये सरकार पूरी नहीं चली तो एनसीपी ढाई वर्षों में जिस तरह मजबूत हुई है महाराष्ट्र में, वो अगले ढाई वर्ष में जो है एनसीपी फिर एक बार डाउन हो जाएगी। इसीलिए शरद पवार ये इस तरीके के प्रस्ताव भेजने की बात कर रहे हैं। लेकिन शिवसेना इस वक्त जो संघर्ष कर रही है या शिवसेना इस वक्त जो लड़ाई लड़ रही है वो पार्टी बचाने की लड़ाई लड़ रही है। शिवसेना को सीधा सीधा पता है कि सरकार तो खैर खतरे में है ही, सरकार तो आज नहीं तो कल गिरनी है, लेकिन पार्टी भी टूटेगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर उनके आदर्शों की बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एक के बाद उसी बात पर जो है सारे शिवसेना के विधायक जो है 2/3 यानी कि 38 विधायक वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, और कई ऐसे पार्टी के कद्दावर नेता है, कार्यकर्ता है, जिला लेवल के, जो अभी इंतजार में है कि वो कब एकनाथ शिंदे के साथ जाए, एकनाथ शिंदे क्या ऐलान करते। तो ये शिवसेना तो संघर्ष कर रही है पार्टी बचाने की, और शरद पवार संघर्ष कर रहे हैं सरकार बचाने की, क्योंकि शरद पवार खुद की पार्टी मजबूत करना चाहते। अगर सरकार नहीं बची तो शरद पवार की पार्टी जिस इसलिए सलाह दे रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव भेज दीजिए। लेकिन एकनाथ शिंदे वही व्यक्ति हैं जो पहले से कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री की पूरी लड़ाई नहीं है। बने रहिए हमारे साथ, इतने लौटूंगी आपके पास। देखिए इस वक्त जो घटनाक्रम सियासत का महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है उसे ये समझ में आ रहा है कि उद्धव सरकार का जाना तय है, क्योंकि नंबर गेम में उद्धव ठाकरे बुरी तरीके से फंस चुके हैं। शिवसेना के 55 में से 40 विधायक भागी हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे पर सरकार जाने का खतरा तो मंडरा ही रहा है, पार्टी से भी बेदखल होने का खतरा उनके ऊपर आ चुका है, यानी कि शिवसेना टूट के कगार पर पहुंच गई है। रिपोर्ट दिखाता है। गिरेगी उद्धव की सरकार, टूटेगी शिवसेना, नंबर गेम में उद्धव फेल, शिंदे के सामने सरेंडर। शिवसेना के 40 MLAs अभी यहाँ मौजूद है। क्या गिर जाएगी उद्धव ठाकरे की सरकार? क्या शिवसेना नेता और उद्धव सरकार के कैबिनेट मंत्री शिंदे शिवसेना को तोड़ देंगे? क्या बाला साहब ठाकरे के शिवसेना से उद्धव ठाकरे बाहर हो जाएंगे? क्या एकनाथ शिंदे ही बाला साहब ठाकरे के शिवसेना को आगे बढ़ाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे की हालत भी दिवंगत राम विलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की तरह हो जाएगी? क्या उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत को शिवसेना से बेदखल कर दिया जाएगा? एकनाथ शिंदे के बगावत के बाद ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं, और इन सभी सवालों का जवाब विधायकों के नंबर गेम में फंसा हुआ है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं, बहुमत के लिए 145 सीटें चाहिए, लेकिन शिवसेना के एक विधायक की मौत हो चुकी है तो अब बहुमत के लिए 144 विधायक चाहिए। उद्धव ठाकरे के महाविकास अघाड़ी के पास 169 विधायक हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के बागी होने के बाद महाविकास अघाड़ी के पास 169 विधायक थे, अब नहीं है। मुंबई से करीब 2800 किलोमीटर दूर गुवाहाटी में डेरा डाले बैठे बागी एकनाथ शिंदे ने 46 विधायकों के समर्थन होने का दावा किया है, जिसमें शिवसेना के 40 विधायक हैं और बाकी 6 निर्दलीय विधायक हैं। 40 MLAs अभी यहाँ मौजूद है, और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे के नंबर गेम में शिवसेना ही नहीं, महाविकास अघाड़ी और महाराष्ट्र की सरकार भी फंस गई है। महाविकास अघाड़ी के 169 विधायकों में से शिवसेना के 55, एनसीपी के 53 और कांग्रेस के 44 विधायक हैं। इसके अलावा 17 विधायक छोटे दलों और निर्दलीय हैं। अब जरा शिवसेना के पास कितने विधायक हैं और एकनाथ शिंदे के दावे के बाद कितने विधायक बचे हैं ये भी समझ लीजिए। शिवसेना के कुल 55 विधायक हैं, जिनमें से एकनाथ शिंदे के पास सेना के 40 विधायकों का समर्थन है, यानी 55 में से 40 विधायक बागी हो चुके हैं और अब सेना के पास सिर्फ 15 विधायक ही बचे हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी और क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती है। सर प्रतिष्ठा होती है पार्टी की, वो सबसे ऊपर है। उद्धव सरकार का जाना तय है,
क्योंकि सरकार बचाने के लिए 144 विधायक जरूरी है, जबकि महाविकास अघाड़ी के पास 169 विधायक थे, जिसमें से शिवसेना और निर्दलीय विधायक मिलाकर 46 बागी हो चुके हैं। यानी कि अब महाविकास अघाड़ी का आंकड़ा घटकर 123 हो गया है, जबकि बहुमत के लिए 124 विधायक चाहिए। यह आंकड़े बता रहे हैं कि उद्धव सरकार का पैकअप हो गया है। जो आज विरोध कर रहे हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूं कि कल के बाद परसों भी आता है। मैंने ये सब बहुत देखा हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में शिवसेना में फिर से एकता बनी रहेगी। शिंदे के खेमे में शिवसेना के बागी विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब शिंदे ने शिवसेना के ऊपर दावा ठोक दिया है और शिवसेना के विहिप को अवैध करार देते हुए शिंदे ने शिवसेना पर दावा ठोकते हुए भरत गोगावले को विधान मंडल का नेता और विहिप चुना है। साथ ही शिंदे ने दो टुक कह दिया है कि शिवसेना को विधायकों की बैठक बुलाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि शिवसेना के मेजोरिटी विधायक उनके साथ हैं। अब लड़ाई सरकार के ही नहीं बल्कि शिवसेना पर कब्जे को लेकर भी है और शिवसेना के दो तिहाई विधायक शिंदे के साथ है, यानी उद्धव के हाथ से शिवसेना निकलती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इससे जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दूं। बागियों को मनाने की एक बार फिर से कोशिश इस वक्त पार्टी करने की कोशिश कर रही है। थोड़ी देर में उद्धव, अभी आपको देखिए जानकारी बता दें कि बागियों को मनाने की कोशिश हो रही है और आदित्य ठाकरे ने बागी विधायकों से खुद बात की है। आदित्य ठाकरे जो कि ट्विटर हैंडल से मंत्री शब्द हटा चुके हैं, बागियों को कैसे मनाया जाए, कैसे उनसे बात की जाए, कैसे उन्हें वापस पार्टी में आने के लिए कहा जाए, एक बार फिर से कोशिश इस बात की आदित्य ठाकरे की ओर से की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और कोशिश यही कि कैसे भी इस सरकार को बचा लिया जाए। और महाराष्ट्र में मचे सियासी बवाल के बीच बीजेपी भी अब एक्शन में आ चुकी है। बीजेपी ने अपने सभी 106 विधायकों को मुंबई मौजूद रहने का फरमान सुना दिया है। अब सवाल यह है कि क्या बागी विधायक और बीजेपी को समर्थन दूसरी बार फडणवीस को सीएम बना देगा। उधर फडणवीस के सीएम बनने के पोस्टर भी लगने शुरू हो चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। ढाई साल बाद फिर से फडणवीस सरकार, उद्धव जाएंगे, फडणवीस आएंगे। सियासी तूफान तो आया है शिवसेना में, लेकिन ये तूफान बीजेपी के लिए दुगनी खुशी लेकर आया है। एक तो बागी विधायक बीजेपी को समर्थन देने की तैयारी में है, यानी महाराष्ट्र में फिर से बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है, और दूसरी शिवसेना टूट के कगार पर है, यानी कि चुनाव से पहले शिवसेना पूरी तरह से कमजोर हो जाएगी। हालांकि इस पूरे सियासी तूफान को लेकर बीजेपी खेमा कुछ भी नहीं बोल रहा है, लेकिन अंदर खाने ही बीजेपी में हलचल तेज है। मुंबई टू सूरत और गुवाहाटी तक बीजेपी नेता बागियों की सुरक्षा कवच की तरह कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पोस्टर भी लग गए हैं। महाराष्ट्र में मचे सियासी बवाल के बीच बीजेपी भी एक्शन में है। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को मुंबई पहुंचने का आदेश दे दिया है। मुंबई में बीजेपी विधायकों की बैठक होगी। बीजेपी सभी विधायकों को तब तक मुंबई में रहने का आदेश दे चुकी है जब तक ये सियासी तूफान शांत नहीं हो जाता। अभी तो बात ही नहीं चली, तो मुझे क्या पता है साहब, क्या आपको ये ऐसा लग रहा था कि इतनी जल्दी गवर्नमेंट की और ऐसे गिरने की स्थिति आ जाए रहा था, या अचानक कुछ हो गया अभी क्या? बात अगर आंकड़ों की करें तो महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और उसके पास 106 विधायक हैं, जबकि महाराष्ट्र में बहुमत का जादुई आंकड़ा 145 है। लेकिन एक विधायक की मौत के बाद बहुमत के लिए 144 विधायकों की जरूरत है और बागी एकनाथ शिंदे गुट के 46 विधायक और बीजेपी के 106 विधायकों को जोड़ लें तो ये नंबर 152 हो जाता है, जो बहुमत से 8 ज्यादा है। जो MLA गुवाहाटी में बैठे हैं शिवसेना के, वो सोचेंगे और सोच रहे हैं, खुद एकनाथ शिंदे साहब भी सोचेंगे, हमारे मित्र, हमारे साथी, और वापस वो हमारे परिवार में दाखिल हो।
सरकार बनाने के नायक रहे संजय राउत अब एकनाथ शिंदे के लिए खलनायक बन चुके हैं। शिंदे ने संजय राउत पर सवाल उठाते हुए ही बगावत की राह पकड़ी है, अब वो वापसी के मूड में नहीं है। शिंदे जिस तरह से बीजेपी नेताओं से मिल रहे हैं उससे साफ है कि आने वाले दिनों में शिंदे बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाने की तैयारी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए सीधा रुख करते हैं, हितेन इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हितेन, आदित्य ठाकरे जो अपने ट्विटर हैंडल से मंत्री शब्द हटा चुके थे, अब वो इस कवायद में है कि कैसे कुछ बागी विधायकों को मना लिया जाए जिससे सरकार गिरने से बच जाए, क्या इसका भी फायदा कोई होगा या फिर ये भी विकल्प अब बहुत देर हो चुकी है अपनाने में? देखिए, एक तरफ तो जो है कुछ विधायकों ने नाराजगी आदित्य के काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने पर भी जताई थी, तो आदित्य हो सकता है कि पुराने शिवसैनिकों को खुद संपर्क करें और मनाने की कोशिश करें, क्योंकि माता पिता तो कल कर चुके हैं, उद्धव ठाकरे रश्मि ठाकरे दोनों बात कर चुके, कोई बात बनी नहीं। हो सकता है कि आदित्य को बोला गया हो कि आप बात करिए, माफ़ी मांगिए, आपसे बड़े हैं, उस आधार पर आदित्य ने संपर्क किया हो। और दूसरी ओर ये भी एक प्रस्ताव भेजने की कोशिश की हो कि जैसे शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात में एक घंटे चली बैठक में सीधे तौर पर कहा कि आप प्रस्ताव भेजिए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने वाला, और उनको कहिए कि आप आइए, वापस आइए सभी विधायकों के साथ और आप शपथ लीजिए, मैं पद छोड़ता हूँ, आप मुख्यमंत्री बनिए, ये प्रस्ताव भी जो है आदित्य के थ्रू आगे भेजा गया हो। लेकिन इन सब चीज़ों में काफ़ी देरी हो चुकी है, क्योंकि अब एकनाथ शिंदे जितना आगे बढ़ चुके हैं ऐसे में वो अगर पीछे भी आते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी में अब उनका वो वजूद जो है वो बना नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी अब उनको लेकर काफ़ी नाराजगी है। यहाँ पर भी अब जितने लोग उद्धव के साथ हैं वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे का अब समर्थन करेंगे नहीं, क्योंकि एकनाथ शिंदे दो तिहाई इंतजार इस बात का है कि एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कहते हैं, उसके लिए आपके पास कोई अपडेट है? आप बिल्कुल देखिए, इंतज़ार इस बात का हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल 7 बजे होनी थी लेकिन इंतज़ार इस बात का होना है क्योंकि सूरत से जो 4 विधायक चले थे गुवाहाटी के लिए वो अभी पहुंचे नहीं है, वो जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी नहीं, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, वो उनके पास बहुमत है, उनके पास 2/3 का आंकड़ा मौजूद है, वो पूरी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए वो कहीं ना कहीं आज अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात रखने वाले हैं। तो इसीलिए इस वक्त लग रहा है जब वो चारों विधायक सूरत से गुवाहाटी पहुंच जाएंगे और रेडिसन होटल पहुंच जाएंगे, उसके बाद चाहे कोई विधायक की रद्द की जाएगी ये कहे, दबाव बनाए, धमकी दे, मुझे लगता है जो गुवाहाटी में विधायक बैठे हैं वो बिल्कुल निश्चिंत तो बैठे, उन्हें कोई चिंता इस वक्त सता नहीं रही है। हितेन, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए, कोई अपडेट होगा तो एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान।